एक और कॉमन क्वेश्चन है कि किसी को अगर COVID-19 वायरस का इन्फेक्शन हो गया तो क्या उसमें वायरस प्रसिस्ट करेगा? अगर उसका इन्फेक्शन ठीक हो गया तो फिर भी उसका वायरस प्रसिस्ट करेगा? और दूसरा सवाल है कि उसको क्या इन्फेक्शन दोबारा हो सकता है? इनको एक एक करके लेते हैं। पहले सवाल का आंसर लेते हैं। अगर आप COVID-19 से इन्फेक्टेड है और वायरस आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आपका टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और अगर आपका टेस्ट नेगेटिव आ गया इसका मतलब वायरस आपकी बॉडी में नहीं है। सो आंसर है कि अगर एक बार टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो आपकी बॉडी में वायरस नहीं रहेगा। दूसरा क्वेश्चन था कि क्या मुझे दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है? आपको दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ स्टडीज ये शो करती हैं कि आपकी कुछ परसेंटेज इम्यूनिटी बन गई है जिससे कि आपका इन्फेक्शन का चांस नॉर्मल पॉपुलेशन से कम है। फिर एक फॉलोअप क्वेश्चन है कि क्या जब मैं नॉर्मल हो गया उसके बाद मैं क्या पॉपुलेशन को इन्फेक्ट कर सकता हूँ? इनके ऊपर अभी एविडेंस नहीं है, स्टडीज नहीं है, ये कहना इस टाइम पे कहना बहुत मुश्किल है। हैंड वॉश करते वक्त दो तीन इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखें। पहला पॉइंट, अगर आप नॉर्मल है और अगर आप सिक नहीं है तो एटलीस्ट 4 से 6 घंटे के बाद हैंड वॉश करें, क्योंकि जो ये वायरस है और जो ड्रॉपलेट से फैलता है वो सरफेस के ऊपर 8 से 10 घंटे तक रह सकता है। जब हम कहते हैं कि गर्मी का मौसम आ जाएगा तो इसका जो सर्वाइवल है सरफेस के ऊपर 8 घंटे से कम होकर 2 से 3 घंटे तक हो जाएगा। बट अभी इट इज़ रिकमेंडेड कि आप 4 से 6 घंटे के बाद हाथ धोएं। अगर आप सिक हैं तो ये फ्रिक्वेंसी आपकी ज़्यादा होगी, आप 3 से 4 घंटे के बाद अपना हाथ धोएं। हाथ धोने का सही तरीका है, नॉर्मली हम ऐसे हाथ धो लेते हैं और बोलते हैं कि हाथ साफ हो गए। इम्पॉर्टेंट है हाथ धोते वक्त कि हम अपनी उंगलियों के बीच की जगह को कवर करें, प्रॉपरली कवर करें, अपने नेल्स को कवर करें, अपना थंब इसकी सफाई करें और अपने रिस्ट की सफाई करें। एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक हैंड वॉशिंग के वक्त एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक रब करें और 40 to 60 seconds तक हैंड को वॉश करें, और टैप को बंद करने के लिए टिश्यू या एल्बो का यूज करें। हैंड वॉशिंग टेक्निक को डिटेल में देखने के लिए ऊपर दिए लिंक को क्लिक करें। हैंड वॉशिंग करना बेस्ट हैंड हाइजीन की टेक्निक है। अगर आप हैंड वॉश नहीं कर सके तो हैंड सैनिटाइजर का यूज करें। सैनिटाइजर को भी प्रॉपरली अपनी फिंगर्स के बीच में, नेल्स में, थंब पे और रिस्ट पे अप्लाई करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। COVID-19 का इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से फैलता है। अगर मेरे गले में वायरस है, गले में वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है और मैं खांसी करता हूँ तो ड्रॉपलेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 meters तक इन्फेक्ट कर सकता है किसी और को। तो अगर आप ओपन स्पेस में जा रहे हैं, आप घर में बैठे हैं, तो आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी क्राउडेड स्पेस में जा रहे हैं जैसे कि मेट्रो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं या किसी गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पे आपको 1 से 1.5 meters के अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस मल्टीपल लोगों से आप कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं तो आपको मास्क पहनना चाहिए। कौन सा मास्क इफेक्टिव है, सर्जिकल मास्क या N95? एक नॉर्मल पर्सन के लिए सर्जिकल मास्क, 3-layer सर्जिकल मास्क इफेक्टिव है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। मास्क पहनते वक्त 2-3 बातों का इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। मास्क आपके नाक और मुंह दोनों को कवर करना चाहिए। जब भी आप मास्क को रिमूव करें कभी भी फ्रंट ऑफ मास्क को टच ना करें, बैक से रिमूव करें। 3-layer सर्जिकल मास्क ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इफेक्टिव है। N95 मास्क सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स और हेल्थ केयर वर्कर्स जो कि हॉस्पिटल्स में काम कर रहे हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। मास्क पहनते वक्त इन चीज़ों का ख्याल रखें। पहला पॉइंट, मास्क आपके नाक और मुँह दोनों को कवर करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मास्क को जब भी आप रिमूव करें तो बैक ऑफ द मास्क से रिमूव करें, फ्रंट ऑफ मास्क को टच ना करें। तीसरा पॉइंट, मास्क की एक प्रॉपर सील बननी चाहिए, आपके मास्क और आपके चेहरे के बीच में स्पेस नहीं होनी चाहिए। जनरली मास्क रिकमेंडेड है अगर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स है, फीवर है, कफ है, तो आपको मास्क पहनना चाहिए ताकि आप बाकी सब लोगों को इन्फेक्ट ना करें। सो बहुत इंपॉर्टेंट 3 बातों का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट, हैंड हाइजीन, हाथों को फ्रीक्वेंटली वॉश करें। दूसरा पॉइंट, अपने हाथों को अपने नाक और मुंह पे ना लगाएं। तीसरा पॉइंट, जब आप लोगों से मिल रहे हैं तो हैंड शेक ना करें, नमस्ते या कोई भी हैंड वेव करने की टेक्निक यूज करें। कपड़ा या कपड़े से बने हुए मास्क रेस्पिरेटरी वायरसेस को, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने में इफेक्टिव नहीं है।
इनके हिसाब से ये इन्फेक्शन को इंक्रीज करते हैं क्योंकि कपड़ा जो है वो मॉइस्चर और वायरस को ज्यादा देर तक रिटेन करता है। हालांकि कोरोना वायरस का स्टार्ट चाइना की एक लाइव एनिमल मार्केट से हुआ था, उसके बाद जितने भी केसेस देखे गए हैं वो सब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन से हुए। CDC की एक रिसेंट रिपोर्ट से उन्होंने कहा है कि कोई एविडेंस नहीं है कि पेट से या किसी और एनिमल से ह्यूमंस में ये ट्रांसमिट हो सकता है या हो रहा है। सो पेट से इन्फेक्शन होने के चांसेस मिनिमल है या कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, बट फिर भी एनिमल्स से दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, तो इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल दैट यू वॉश योर हैंड्स आफ्टर डीलिंग विद एनिमल्स और पेट्स। क्योंकि रीसेंट केसेस में एनिमल से ह्यूमन ट्रांसमिशन का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तो नॉन वेजिटेरियन से ये इन्फेक्शन होगा इसका कोई साइंटिफिक पुष्टि नहीं है। पर जनरल हेल्थ के लिए भी एडवाइस किया जाता है कि नॉन वेज अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो वो अंडर कुक्ड ना हो, फुली कुक्ड मीट को ही कंज्यूम करें। इस रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक सिर्फ 2.5% बच्चों में ये इन्फेक्शन देखा गया है और इन्फेक्शन उनमें माइल्ड था, बट प्रिकॉशंस बच्चों के लिए भी सेम रहेंगे जो कि एक एडल्ट के लिए। इस स्टडी के हिसाब से अभी तक के रिपोर्टेड केसेस में से 74% केसेस को कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी थी, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा। सिर्फ 26% पेशेंट ऐसे थे जिनको कोई और बीमारी नहीं थी। तो अगर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अस्थमा या एज 60 ईयर से ज़्यादा है, उनको एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। कोरोना वायरस के ऊपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।